हेलो, वेलकम बैक न्यू वीडियो। सो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ गाइस चावल के पापड़। तो गाइस, मैंने चावल बनाया था और ये चावल जो बच गए हैं, तो आप बचे हुए चावल को फेंकिएगा नहीं। इस तरीके से आप चावल के पापड़ बना सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा हमको कितनी मुश्किल से हमको ये अन्न देती है, जो हम इसको खा के आँखें खोलते हैं। तो इसलिए एक भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इस अन्न से हम ये बचे हुए जो चावल जो मैंने बनाए थे वे बच गए हैं। इस तरीके से परफेक्ट है ये चावल, इस तरीके से बने हुए हैं और कच्चे नहीं होने चाहिए गाइस, ये पके हुए हैं अच्छे से। तो अब क्या करेंगे, ये बचे हुए चावल फेंकेंगे तो नहीं, और बनाएंगे अब पापड़ चावल के। इस प्रोसेस से आप चावल के पापड़ बना सकते हैं। और तो चलते हैं, चावल के पापड़ कैसे बनाएंगे। तो चावल के पापड़ बनाने के लिए आप इस तरीके से एक मिक्सर का जार ले लीजिएगा, तो आपके घर में अवेलेबल होगा। तो ये मिक्सर का जार ले लिया है मैंने, तो इस जार में चावल को डाल देंगे। तो चावल अपनी क्वांटिटी से आप ले सकते हैं, जितना आपके पास चावल हो उतना ले लीजिएगा। अगर एक कटोरी है तो आप एक कटोरी ले लीजिएगा। तो चूंकि चावल थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा चावल जो है थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। पानी की क्वांटिटी मैं बता देती हूँ, तो जो मैंने एक कप पानी लिया है वो इसमें डाल देंगे। और ढक्कन लगाएंगे, और जो दूसरा चावल है उसमें भी एक ही कप पानी डालना है, और इस तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। मिलते हैं ग्राइंड करने के बाद। तो गाइस, चावल को इस तरीके से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल महीन। इस तरीके से चावल का पेस्ट बिल्कुल पतला पीस लेंगे, बिल्कुल भी दाना ना रहे, और इस तरीके से परफेक्ट पीस गया है ये। बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे पेस्ट को। अगर आपके पास ज़्यादा है चावल तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, और कम है तो कम ले सकते हैं इसी क्वांटिटी से। तो मेरे पास चूंकि थोड़ा सा ज़्यादा है चावल, और इसमें जो लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इस तरीके से पानी डाल के सारा निकाल लेंगे। शुगर इसमें पापड़ में नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है। अगर आपको नमक जितना पसंद है तो उतना उससे कम लीजिएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि नमक थोड़ा जब तलने के बाद ज़्यादा हो जाता है, तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखनी है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, बहुत ही कम, लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो बेकिंग सोडा, मीठा सोडा डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ मीठा सोडा। चाहे तो आप पापड़ खार भी ले सकते हैं, उससे भी पापड़ बहुत ही ज़्यादा फूलते हैं। तो पापड़ खार नहीं लिया है मैंने, थोड़ा सा मीठा सोडा यूज़ किया है, जिससे बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो गैस इसको चलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, क्योंकि चावल है इसमें चिपका हुआ, थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रखनी है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो पानी गाइस थोड़ा सा इसमें पड़ेगा, क्योंकि तो अभी गाढ़ा है। तो गाइस, आप बिगर गैस जलाए आप पापड़ बना सकते हैं चावल के इस तरीके से। अच्छे से फेंट लेंगे, पानी अभी गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी और पड़ेगा, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। आधा मैंने इतना लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, आधा कप से कम। अच्छे से फेंट लेंगे। तो अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, जो पानी बचा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से फेंट लिए, थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें पानी और पड़ेगा। तो आधा गिलास मैंने पानी दिया है। अच्छे से फेंट लेंगे, जितना अच्छे से फेंटेंगे आपका पापड़ उतना ही अच्छा बनेगा। परफेक्ट फिट किया है।
बनाएंगे चावल के पापड़। जितना अच्छे से आप गैस फेटेंगे उतना ही पापड़ आपका बहुत अच्छा बनेगा। और चाहे तो आप इसको धूप में भी बना सकते हैं, चाहे तो आप छाई में भी, पंखे की हवा में बना सकते हैं। तो गैस मैं बनाऊंगी धूप में, और एक पन्नी ले लेंगे, पन्नी में बिछा के बनाएंगे। और मैं एक आपको दिखा दे रही हूँ कि पापड़ किस तरीके से बनाना है, चाहे तो आप पंखे की हवा में भी बना सकते हैं। जैसे मैं अभी एक प्लेट ले ले रही हूँ, वो प्लेट में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, और पन्नी में ऑयल लगा के ही फैलाना है। गोल आप दे सकते हैं इस तरीके से, और ध्यान रहे ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा मोटा करना है। इस तरीके से पापड़ बना देंगे। तो इस तरीके से आप इतना थोड़ा सा मोटा लेयर का ही पापड़ बनाइएगा। तो सारे पापड़ जो है मैं धूप में डालने जा रही हूँ, या फिर आप पंखे की भी हवा में डाल सकते हैं, तो पंखे की हवा में भी डाल सकते हैं। तो मैं पंखे की हवा में थोड़े से डाल दूंगी, या फिर मैं धूप में डाल दूंगी। तो वैसे मैं अभी जा रही हूँ पॉलीथीन से पापड़ डालने। तो ये आप दे सकते हैं, गोल परफेक्ट तैयार हो गया है। इस तरीके से आप चावल के पापड़ बना सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने पापड़ जो बनाए हैं चावल के, तो वो मैंने धूप में सुखाए हैं, दिखा रही हूँ। तो ये गाइस मैंने धूप में पन्नी में सुखाए हैं इस तरीके से। तो मिलते हैं पापड़ के सूख जाने के बाद।